ये यहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है बिल्कुल बैटरी के पास। अगर बैटरी से 12 वोल्ट्स जो हैं वो इन्वर्टर की इनपुट पर जाएंगे, ये इन्वर्टर की इनपुट यहाँ होती है, ये इन्वर्टर की इनपुट है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसको आपने डायरेक्टली प्लस माइनस यहाँ कनेक्ट कर देना है। याद रहे कि इन्वर्टर बिल्कुल बैटरी के करीब रखा जाता है। अगर आप इसको किसी दूसरे कमरे में इंस्टॉल करेंगे तो इन्वर्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाता है। इन्वर्टर के वोल्टेज इनपुट पर पूरे 12 या उससे ऊपर होने चाहिए, तो इसलिए इसको बिल्कुल बैटरी के करीब रखा है मैंने। और जब इसका काम होता है डीसी 12 वोल्ट्स को 220 एसी में कन्वर्ट करना, यानी कि 220 एसी में जो हमारे घर का लोड 220 एसी भी होता है, वो हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके एक बटन दिया गया है, एक चार्जिंग पोर्ट दी गई है। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, ये इन्वर्टर ऑन हो गया। नीचे एक फ़ैन है जो कि हमने इस इन्वर्टर पे सेट किया हुआ है। हम जाके चेक करेंगे कि वो फ़ैन ऑन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप देखें, ये आउटपुट मैंने कहाँ लेके जा रहा हूँ, ये आउटपुट जो यहाँ से हमने निकाली है 220 वोल्ट एसी, ये फ़ैन की तरफ जा रही है। ये वाइट वायर आप याद रखें, ये आपको मैं रूम में दिखाता हूँ। ये वो वायर है जो 220 वोल्ट आउटपुट हमने निकाली है इन्वर्टर से, और वो आ रही है, वो हमने इस सॉकेट में भी दे दी है ताकि इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकें या लैपटॉप चार्ज कर सकें। और इसको इस चेंज ओवर में भी कनेक्ट कर दिया गया है। चेंज ओवर जो है वो हमने लगाया है ताकि अगर आप सोलर पे फ़ैन चलाना चाहते हैं, बैटरी से फ़ैन चलाना चाहते हैं, तो यानी इन्वर्टर को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ रखेंगे। यानी सोलर से जो बैटरी चार्ज हो रही है और इन्वर्टर उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर आप वो मैकेनिज्म यूज़ करना चाहते हैं तो उसको 1 पे रखेंगे, 0 पे रखेंगे, फ़ैन ऑफ हो जाएगा जैसे अभी ऑफ हो गया। और ये वापडा का कनेक्शन है, यानी कि ये 220 वोल्ट वाला फ़ैन अगर वापडा पे चलाना है तो ऐसे वापडा पे चलेगा, ये भी वापडा पे चलेगा, अभी किसी पे भी नहीं चलेगा और अभी सोलर से चलेगा। ये 220 वोल्ट्स का इस वक्त ये बैटरी पर चल रहा है, यानी इन्वर्टर को हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर हमने इन्वर्टर को यूज़ नहीं करना, वापडा की सप्लाई यूज़ करनी है, तो इधर कर दें। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें दे दिए, यही मकसद है इस चेंज ओवर का।